अरे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। असली ताकत एक ऐसी चीज है जिसको लंबे समय तक कल्टीवेट करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। मुझे पता है कि हमें हमारे टीचर अकेले ये सभी स्टूडेंट्स के पास में अलग ही लड़ने की टेक्निक्स है, लेकिन पर्याप्त ताकत के बिना वह अपने टेक्निक्स का यूज कहीं पे कर भी नहीं सकते, या फिर केवल सोलो मैचेस हुए थे। अगर वह अपनी इसी टेक्निक के साथ में कहीं पर किसी से लड़ने चले जाते हैं तो वहां पर उनका टिकना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास उनकी ज्यादा ताकत हो तो आप आराम से उनको उनकी टेक्निक्स के अंदर हरा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ताकत है, क्योंकि टेक्निक जब भी काम आएगी जब सामने वाले के पास में ताकत हो। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने सभी को सांत्वना देने और उनको खुश करने के लिए कुछ शब्द कहे। और जब तुम कल जीते नहीं थे, उसका एक ही कारण था कि तुमने शायद से पहले सही से साधना नहीं करी होगी, और जिसके कारण तुम्हारे अंदर एनर्जी की कमी होगी, इसी वजह से तुम लोग हारे होंगे। तुम चिंता मत करो, जब हम लोग वापस जाएंगे कॉम्बैट मास्टर हॉल तो मैं तुम्हारी साधना को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा और तुम्हारी ट्रेनिंग को अधिक कर दूंगा, ताकि फिर कभी तुम्हें इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े तो तुम अपने आप को साबित कर पाओ। ठीक है लीडर, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस हमें और ताकतवर बनना है। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम की सांत्वना सुनकर आखिरकार सभी कॉम्बैट मास्टर्स की उदासी दूर हो गई। ये देखकर कि उनकी सांत्वना काम कर गई, कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने एक राहत की सांस ली। इसके बाद में उन्होंने नितिन की तरफ निगाह घुमाई और नितिन से कहा, प्रिंसिपल नितिन चलो अब आपके स्टूडेंट्स की परीक्षा स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद में कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने स्टेज के ऊपर छलांग लगा दी और उन्होंने अपने स्टोरी रिंग से ट्रू ब्रीथ का वह स्टोन बाहर निकाल लिया। मैं आपसे फिर से पूछ लेना चाहता हूँ कि क्या आपने सब जो कल कहा था वैसे ही परीक्षा होनी है ना? कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने नितिन की बात सुनते हुए कहा, हाँ जैसा कि मैंने कल कहा था कि अगर आपके स्टूडेंट्स ने केवल दो संख्या ही हासिल कर ली तो आपके स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे और सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर सब नितिन ने देखा कि कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने हाँ कर दिया। उसके बाद में उसने अपने स्टूडेंट्स की तरफ पलटते हुए कहा, चलो ठीक है अब तुम्हारी बारी है, सब आओ और यहाँ पर लाइन लगा लो और सब अपना बेस्ट ट्राई करना। जैसे नितिन ने कहा उसके सभी स्टूडेंट्स स्टेज की तरफ चले गए और उन्होंने लाइन बना ली, लेकिन उन्होंने सबसे आगे देव को रखा था, क्योंकि पिछले दिन जब देव ने उनसे पहले उस स्टोन को ट्राई किया था तो उसकी संख्या 2.1 आई थी, और वो चेक कर लेना चाहते थे कि देव ने कल से ज्यादा यहाँ पर आज पूरी रात के अंदर कितनी ज्यादा परिवर्तन किए हैं। फिर देव सबसे पहले आगे जाकर उसने स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखा और उसने अपनी एनर्जी और शारीरिक शक्ति को कंट्रोल करते हुए ट्रू ब्रीथ स्टोन के अंदर एनर्जी डाली। जैसे उसने ऐसा किया अचानक से स्टोन पूरी तरह से चमकने लगा। कुछ ही देर के अंदर उसके ऊपर एक संख्या आई, 6.5। ये क्या कर रहे हो, ये कैसे हो गया? कल तो इसकी संख्या 2.1 थी तो ये आज में केवल रात रात में ऐसे कैसे बढ़ गई? ये देखकर कि देव की संख्या जब 2.1 थी कल और आज उसकी संख्या बढ़कर 6.5 हो गई है तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक रात के अंदर व्याख्यान देकर किसी की शारीरिक शक्ति और एनर्जी को बढ़ाया जा सके? उस संख्या को अपने सामने देख कर भीड़ में बड़ी हलचल मच गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने क्या देख रहे हैं। उनको तो ये लगा कि वह कोई सपना ही देख रहे होंगे। और इससे भी अलग सबसे ज्यादा झटका तो कॉम्बैट मास्टर्स को लगा था। उनकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बहने लगे थे और उन्हीं चमकते हुए आंसुओं के साथ में उन्होंने कॉम्बैट मास्टर प्रीतम की तरफ देखते हुए कहा, कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ये क्या है, ये क्या 6.5 केवल एक रात के अंदर? क्या आपने कल कहा नहीं था हमसे कि सच्ची ताकत लंबे समय तक परीक्षण करने से ही आती है? क्या आपने हमसे ये नहीं कहा था कि हमने जिस पीड़ा से गुजरे हैं वह तुम्हारी व्यर्थ नहीं गई? तो फिर ये क्या है आप बताइए अब हमें। पहले तो 1 घंटे के व्याख्यान के अंदर इन सभी की लड़ाई टेक्निक्स को बढ़ा दिया गया जो हमें बहुत सारे समय के बाद में सीखने में आई, और उसके बाद में फिर एक ही रात के अंदर इन्होंने देखो ये क्या कर दिया, 2.1 से 6.5 पहुंचा दिया। क्या आप हमें पागल बना रहे हैं? उसके बाद में कॉम्बैट मास्टर प्रीतम और सभी कॉम्बैट मास्टर्स नितिन की तरफ देखने लगे। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या प्रिंसिपल नितिन आपके सामने मेहनत का कोई भी नाम नहीं है? क्या आप केवल ऐसे ही किसी को भी रुलाने के अंदर लगे हुए हैं? आपने केवल
रात रात ये अंदर इनकी शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, ये तो हमको भी सरपास कर गए। क्या आपको कोई छोटे काम करने नहीं आते? क्या हर बार आप एक बड़े से बड़ा काम करते रहते हैं? कम से कम अपने चमत्कार को कम कर दो। उन सभी की हालत भी वैसे ही हो गई थी जैसे कि जब तीनों प्रिंसिपल्स यहाँ पर आए थे, और उनकी हालत भी नितिन ने बुरी कर दी थी। अब सभी कॉम्बैट मास्टर्स की हालत भी वैसे ही हो गई थी। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने उन सभी कॉम्बैट मास्टर्स से कहा, अरे नहीं, ऐसा तो ऐसे ही हो गया होगा, शायद देव उनसे पहले ही ताकतवर होगा। और ये तो जरूरी नहीं है ना कि देव की शक्ति बड़ी हो तो सबकी शक्ति ही बढ़ जाए। चलो हम आगे देखते हैं। मुझे पक्का पता है कि वो सभी की सभी इसको पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें आश्वस्त करते हुए कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने कहा। देव को उस परीक्षा को पास करने के बाद में एक के बाद एक उम्मीदवार आगे बढ़े और उन्होंने अपनी हथेली ट्रूब्रीथ स्टोन के ऊपर रखी। उसके अंदर से पहला नंबर निकल के आया 6.1, जिसके बाद में एक के बाद एक सभी उम्मीदवारों ने उसके ऊपर अपना अपना हाथ रखा और उसके ऊपर संख्या आने लगी 6.3, 6.2, 5.9 और 6.7। और इस तरह के परिणाम को देखने के बाद में भीड़ पूरी तरह से सुनने रह गई, वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। और इस बात से अब कॉम्बैट मास्टर प्रीतम की वह बात भी झूठ हो गई थी कि देव केवल एक गलती की वजह से इतनी ज्यादा शक्ति बढ़ गई होगी। लेकिन अब यहाँ पर देखने से पता चल रहा था कि होमवर्क मास्टर टीचर अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स की शक्ति वास्तव में बढ़ चुकी थी। होमवर्क मास्टर टीचर अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स ने पहले ही अपनी सभी लड़ाई टेक्निकों के साथ में कॉम्बैट मास्टर्स की हालत बुरी कर दी थी, लेकिन अब तो वह अपनी शक्ति के साथ में भी उनको कहीं का ना छोड़ेंगे अगर उन्होंने फिर से लड़ाई स्टार्ट कर दी तो। उन सभी संख्याओं को देखने के बाद में कॉम्बैट मास्टर हॉल के आए हुए अतिथि, सभी प्रिंसिपल्स और अन्य तीनों मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स की शक्लों का रंग उड़ा हुआ था, वह अपनी जगह पर जम से गए थे। उन सभी की ऐसी हालत देखने के बाद में स्कूल हेड उत्कर्ष आगे बढ़े और उन्होंने सभी को सांत्वना दी। अरे आप लोगों को इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे प्रिंसिपल के पास में जो भी रहता है उसको स्टार्टिंग में झटका लगना आम बात हो गई है, क्योंकि हम तो अब इस तरह के सारे चमत्कार रोज के रोज देखते रहते हैं। अगर आप इनके पास में कुछ समय रह लेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये तो आम बात सी हो गई है, तो इसीलिए आप लोगों को ज्यादा इतने हैरान होने की जरूरत नहीं है। हाँ वास्तव में, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल नितिन कुछ भी करते हैं उसके अंदर पता नहीं ना सर होता है ना पैर, बस वो चीजें हो जाती है, तो आप लोगों को इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ हमारे दोनों मुखिया सही कह रहे हैं, आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। होमवर्क मास्टर टीचर अकेडमी के सभी बुजुर्ग और मास्टर टीचर्स और साथ में स्टूडेंट्स ने भी सभी को समझाया, हाँ तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो इसकी आदत हो गई है इसीलिए हमें इसका कोई झटका नहीं लगा, अब तुम्हें भी इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अगर तुम थोड़े टाइम इनके साथ में रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में प्रिंसिपल नितिन यहाँ पर आए थे स्टूडेंट बनकर तो इन्होंने बहुत बार हमें झटका दिया था, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो आदत हो गई है ऐसे चमत्कार देखने की। कुछ देर के झटके से शांत होने के बाद में कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने एक राहत की सांस ली और उन्होंने अपने दिल को समझाते हुए एक घोषणा की, मैं आज से आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि होमवर्क मास्टर टीचर अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स जो इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे उन सभी ने इस परीक्षा को पास कर लिया है, और आज इसे मैं घोषणा करता हूँ कि ये सभी कॉम्बैट मास्टर हॉल के सदस्य बन चुके हैं। घोषणा सुनते ही होमवर्क मास्टर टीचर अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के अंदर हंगामा मच गया। चीज को सुनते ही उनके अंदर एक अलग ही चमक दिखने लगी थी। आखिरकार कॉम्बैट मास्टर इस कॉम्बैट मास्टर के हर एक सिलेक्शन के अंदर होमवर्क मास्टर टीचर अकेडमी हमेशा ही आखिर के अंदर रहा कर दी थी, और 10,000 वर्षों के अंदर केवल इसके अंदर से 327 उम्मीदवार ही आज तक कॉम्बैट मास्टर बनने में सफल हो पाए। लेकिन इस बार प्रिंसिपल नितिन के यहाँ पर रहते हुए होमवर्क मास्टर टीचर अकेडमी ने एक अलग ही रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। उन्होंने एक साथ 100 स्टूडेंट्स को इस कॉम्बैट मास्टर सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट करवा दिया। वह सभी देखने के बाद में अचानक भीड़ में से एक आवाज आती है, प्रिंसिपल नितिन हमें भी कॉम्बैट मास्टर बनना है, और मैं पूरा पक्का वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी मन और इच्छा से ट्रेनिंग करूंगा, इसीलिए क्या आप हम सबको एक बार एक व्याख्यान दे सकते हैं, मैं आपकी नाक बिल्कुल में नहीं कटने दूंगा। हाँ प्रिंसिपल नितिन मैं भी कॉम्बैट मास्टर बनना चाहता हूँ, क्या आप हमें एक लेक्चर दे सकते हैं। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम की उस घोषणा करने के बाद में
वहां पर सभी जगह अब यही बातें चलने लग गई कि प्रिंसिपल यदि एक बार व्याख्यान दे दीजिए क्योंकि हमें भी कॉमिक मास्टर बनना है। हाँ प्लीज प्रिंसिपल नितिन एक बार दे दीजिए बस। वह सब कुछ देखने के बाद में नितिन की आंखें भी खुली की खुली रह गई। वह परेशान हो गया। उसने सभी को रोकते हुए कहा, ठीक है मैं एक व्याख्यान दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पक्का पता नहीं है कि मेरे इन सभी 100 स्टूडेंट्स की तरह आप में से सभी सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हालांकि आप सभी मेरे लेक्चर को सुनने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हैं तो मैं आप सभी को लेक्चर देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि ये मुझे नहीं पता कि आप कॉम्बैट मास्टर बन पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये सभी तो कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर उनकी इच्छा नहीं हुई तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ में आज हमारे 1000 एपिसोड्स कंप्लीट होते हुए तो गाइस कैसा लग रहा है? ठीक है इस वीडियो के साथ में 1300 हो जाएंगे ना? ठीक है आज 1300 सब्सक्राइबर्स, 5 ही सब्सक्राइबर्स चाहिए आप लोग कर दो, मुझे पता है। और ज्यादा भी करा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? करवा देना जैसे, चलो 1350 करा दो, 1350 बोलते ना, 1350 तो करवा दो यार, होगी तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा आईडी तो। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर हम कल नेक्स्ट एपिसोड में। और शायद इसके अंदर भी मैंने सस्पेंस छोड़ दिया है यार, क्या करूँ अब आदत सी हो गई है हर बार हर एक वीडियो के अंदर सस्पेंस छोड़ने की। चलो ठीक है फिर मिलते हैं आज ये हम नेक्स्ट एपिसोड में।